नमस्कार। सिलसिले में आज हम 76वें कड़ी में हैं। इस 76वें कड़ी से कुछ कड़ी हम ज्योतिष पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, और वो भी सामान्य ज्योतिष नहीं। ये क्या बनेगा, इसको मिलेगा कि नहीं, संतान होगा कि नहीं, इन बातों पर नहीं। आखिर हमें ज्योतिष में विचार क्यों करना चाहिए? गए गुजरे जमाने के जो पाखंड हैं, जैसे लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, उस प्रकार के ज्योतिष में क्या चीज छिपा हुआ है? हम पहले वेदों में विज्ञान के बारे में किस तरीके से हम जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं उस पर विचार कर रहे थे। अब बात आ गया ज्योतिष का। ज्योतिष कर्मफल को बताता है, ज्योतिष भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को बताता है, ज्योतिष समय के उस अनुकूल बिंदु को बताता है, और ज्योतिष लोगों के बीच में तालमेल को बताता है, और ज्योतिष सांत्वना देने का काम करता है, और ज्योतिष काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। ये सभी बातें हम लोग करते हैं, किंतु अपने ही लोग, आज हम दृश्य श्रवण माध्यमों में बहुत जगहों में देखते हैं, अपने ही लोग, पराये नहीं, अपने ही लोग बहुत ज्यादा इस पर कीचड़ उछालते हैं। तो उस स्थिति में हमें भी वही काम करना चाहिए, अथवा हमें इसको अलग से सोचना चाहिए। हम इसको किसी धर्म से अर्थात रिलीजियन से, संप्रदाय से हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को हम किस तरीके से विज्ञान है ये प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। इंसान समय में आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, अथवा अपने पिछले जन्मों में जा सकता है। रिग्रेशन को छोड़ के, हम लोग बीच के एक कड़ी में बता रहे थे कि हम पिछले जन्मों को रिग्रेशन में जा सकते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट लोग ले जाते हैं, पिछले जन्मों में क्या हुआ हम जान सकते हैं, इत्यादि बात हम कर चुके हैं। यहाँ इस तरीके से नहीं, सशरीर आदमी समय में आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। इन बातों को करने पर पहले लोग उसको फिक्शन मानते थे। फिक्शन मतलब कल्पना। कल्पना में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत और आइंस्टीन के कुछ विचार जब सामने आए, तो टाइम मशीन की एक कल्पना सामने आ गया। यानी अब विज्ञान ये नहीं कह पाता है कि आप समय में आगे अथवा पीछे नहीं जा सकते हो, ये नहीं कह पाता है। हाँ, अभी तक विज्ञान जो तकनीकी को विकास किया है, उस विकसित तकनीकी में अभी तक वो मामला सामने नहीं आया है कि हाँ, आप कोई टाइम मशीन बना सकते हैं और उसमें आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। किंतु पोस्ट आइंस्टीन एरा, यानी आइंस्टीन के पश्चातवर्ती जो विज्ञान है, उसमें इस बात का खंडन, यानी आप समय में आगे जाना या पीछे जाना, इस बात के खंडन करने से दूर रह गया विज्ञान। अब विज्ञान खंडन नहीं करता है। विज्ञान ये मानता है कि आप समय में आगे भी जा सकते हैं, समय में आप पीछे भी जा सकते हैं। और जब हम सुपरसोनिक जेट्स और कॉन्कर्ड हवाई जहाज इत्यादि जो भी आविष्कार इंसान ने किया है, जो हवा के वेग, माने प्रकाश के वेग से ज्यादा वेग से जाने का जो चेष्टा करते हैं, तो उस समय में भी ये बात सामने सिद्ध हो गया कि इंसान के सामने कोई ऐसे माध्यम मिल जाए तो वो शून्य में प्रकाश के जो तेवर हैं, प्रकाश की जो गति है, उससे भी ज्यादा तेजी से आगे या पीछे जा सकता है। जब उसके सामने, इंसान के सामने वह साधन आ जाएगा, तो अपने भूत में भी और भविष्य में भी इंसान जा पाएगा। तो इन बातों को मैं यहाँ पर इसलिए विचार कर रहा हूँ, ज्योतिष कर्म के आधार पर आपका अतीत बताता है, आपका वर्तमान बताता है, और आपका भविष्य बताता है। जब हम ये बातें करते हैं तो ये हमें पाखंड जैसे लगता है, किंतु जब टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, समय में आगे पीछे जाने का जो विचार है, उसको जब विज्ञान मानने लगा, तो इसको भी मानना ही पड़ेगा। जब समय
टाइम माने उसमें कोई गति नहीं होता है, विकार नहीं होता है, इस बात को आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। टाइम एक फ्रेम जैसे हैं, वो निश्चल हैं, उसमें हम ही आगे चल रहे हैं। जब ये बात सामने आ गया तो क्या ज्योतिष में, ज्योतिष के जो सिद्धांतकार हैं उनको वह निश्चल, वह अविकृत समय के बारे में पता हो? और प्रारब्ध के अनुसार प्राणी किस तरीके से आगे चलता रहता है, यह प्राणी पहले क्या था, कहां से आया था, तो इन बातों को जानने का एक कला, गलत यहां कला जैसे बोले, क्योंकि हम लोगों की यह आदत हो गया विज्ञान को कला बोलने का और विज्ञान को कला की दृष्टि से अध्ययन करने का। तो ये आगे या पीछे जाने का इंसान का, अथवा उसके प्रारब्ध को जानने की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कैसे नकार सकते हैं? जो आज हमारे सामने सिद्ध नहीं हुआ कि टाइम मशीन बन सकता है, जो हमारे सामने आज सिद्ध नहीं हुआ कि इंसान समय में से आगे या समय से पीछे जा सकता है, तो उस असिद्ध बातों को भी विज्ञान स्वीकार रहा है। स्वीकार, विज्ञान कह रहा है कि यह संभव है, बसरते आपको इतनी गति से जाना चाहिए। वहां भी विज्ञान ये नहीं कह रहा है कि इतने गति से आप नहीं जा सकते हो, अब विज्ञान कह रहा है कि अब ऐसे कोई साधन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कोई तकनीकी ढूंढना पड़ेगा। अब हमारे सामने विज्ञान के आधार पर इतने तकनीकी विकसित हो चुका है, तो कल को आप कैसे बता सकते हैं कि ये विज्ञान आएगा नहीं? और आप कैसे बता सकते हैं कि यहां अंतर्धान हुआ वह मुनि, यहां अंतर्धान हुआ वह तपस्वी, जहां चाह रहा है वहां पर वो प्रत्यक्ष ना हो? तो इन बातों को ध्यान से देखने के लिए हमें एक पिछले कड़ी में जाना पड़ेगा, जहां पर हम टॉम एंड जेरी की बात है, एनिमेशन की बात कर रहे थे। और एनिमेशन की बात ही छोड़ दीजिए, साइकिल की पहिया को जोर से चला दीजिए, उसमें तिल्लियां तो दिखती नहीं है, तिल्लियां तो वही रहती हैं, किंतु उसकी गति इतना ज्यादा होता है वहां तिल्लियां दिख नहीं सकती हैं। और यहां पर तपस्वी अंतर्धान हुआ, दूसरे जगह में आया, इसका अर्थ क्या है? अंतर्धान हमारे नजरों के सामने हुआ, हम उस गति को पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसे तो गतियां तो हमारे सामने बहुत हैं, पंखा चल रहा है और पंखे के जो पंख होता है वो हमें दिखता नहीं है। यदि जोर से पंखा चले तो हमें लगता है कि वहां पर पंखा तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके बीचों बीच का सर ही दिखता है हमें, तो इतने तेजी से जा सकता है। जब अंतर्धान होने वाला व्यक्ति इतने तेजी से जाएगा तो वो अपने समय से आगे और पीछे क्यों नहीं जा सकता है? और क्या हो रहा है इस समय में, समय के अंदर क्या लीलाएं हैं, और वह व्यक्ति कहां से आया है और कहां जाने वाला है, तो इनको परखना, इनको देखना, इन पर चिंतन करना, यह असंभव कैसे? जब विज्ञान कह रहा है कि आप उतने गति से चलिए समय में आगे जा सकते हैं, तो जब समय में आगे जा सकेगा जब इंसान, तो क्या नहीं देख पाएगा कि अगले आधे घंटे के बाद क्या हो रहा है? तो अब यहां आवश्यकता हम अपने एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का नहीं है, यह समय इसमें विज्ञान ढूंढने का है। और जो महर्षियों का देन है, ज्योतिष वेद का एक अंग है, और ज्योतिष के बिना काल साधन संभव नहीं है, ज्योतिष के बिना वैदिक कार्य संभव नहीं है। और जिस ढर्रे पे ज्योतिष का विकास हुआ, जिस ढर्रे पे ज्योतिष का आविष्कार हुआ, तो उसके इस तरीके से अप्रतिष्ठा की ओर ले जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो भी कहते हो महान भाव, कहने दीजिए, जो भी आपके ऊपर उंगली उठ रहा हो उठने दीजिए। अब यहाँ हर एक व्यक्ति के मुंह बंद करने का नहीं है, यहाँ वास्तव में ज्योतिष में क्या है और आज के विज्ञान के समकक्ष ज्योतिष में वो बात क्या है महर्षियों का, इस पर अनुसंधान करने का, बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष, बिना किसी कलह, किसी विवाद, हमें एक तत्व को ढूंढ के सामने ले आना है। और वह वही सापेक्ष सिद्धांत हो सकता है, वही आइंस्टीन की बातें हो सकते हैं, जो फिर दोबारा हम सिद्ध कर सकें। और मिलते हैं अगले कड़ी में यही ज्योतिष की इन्हीं बातों को लेकर आपके सामने।
तब तक के लिए धन्यवाद।